कोरोना वैक्सीन अभी आई भी नहीं और इसके लिए खींचतान अभी से शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के कई बड़े पुलिस अधिकारी और नेता वैक्सीन सबसे पहले लगाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। इन शिकायतों के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सफाई दी है कि राज्य में किसी भी नेता, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री को यह सफाई उन शिकायतों के बाद देनी पड़ी है जिसके मुताबिक राज्य के कई बड़े पुलिस अधिकारी और नेता वैक्सीन सबसे पहले लगवाने की कोशिश में है। मंत्री ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, अभी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मैंने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी किसी भी हालत में वे सीधे मुझसे संपर्क करें। मंत्री राजेश टोपे ने कहा, सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर रही है और सबसे पहले वैक्सीन का टीका उन्हें ही लगाया जाएगा। फाइनल लिस्ट अगले हफ्ते के अंत तक तैयार हो जाएगी। पुणे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ नेता लगातार वैक्सीन ट्रायल के अपडेट्स के लिए संपर्क में थे, मगर किसी ने इन ट्रायल में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं जताई। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।